ले चलते आपको मध्य प्रदेश के खाचरोद की कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर खाचरोद पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठते नजर आ रहे हैं। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि बढ़ती हुई विभिन्न प्रकार की चोरी और वारदातें जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर संत समाज ने समाज की सुरक्षा को लेकर SDM को सौंपा है ज्ञापन। मध्य प्रदेश उज्जैन के खाचो क्षेत्र में हो रही चोरी एवं अपराधी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए जनहित में संत समाज ने SDM को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इस समय आए दिन चोरी एवं अपराधी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर यदि समय रहते काबू नहीं पाया गया तो क्षेत्र में अशांति एवं आपराधिक गतिविधियां अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगी। अभी विगत कुछ दिनों से देखा गया कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा चोरी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, जिससे परेशान होकर आम जनता में का माहौल है। इसी के चलते संत समाज के द्वारा समाज की सुरक्षा को लेकर SDM को सौंपा गया है ज्ञापन। अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हैं और क्षेत्र में अशांति का वातावरण बना हुआ है। चोरी को लेकर काफी वारदातें लगातार कंटिन्यू हो रही है। किसी के बिस्तर जलाए जा रहे हैं, किसी के मकान पे पत्थर डाले जा रहे हैं और बाइक चोरी काफी बढ़ गई है। अनेक प्रकार के ऐसे गाड़ियों को लूटना है, जैसे रस्से काटना है, ये सब चीजें हमने आज संज्ञान में अधिकारियों के लाई है। इसी प्रकार से जब दुख होता है कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय परिसर से, नवोदय विद्यालय से एक बाइक चोरी गई और क्षेत्र में हमारे यहाँ पोपंडिया परिवार में एक अशोक पोपंडिया करके है बालक, उसकी बाइक चोरी गई, तो वो सब हम संज्ञान में लाना चाहते थे कि चोरों के हौसले बुलंद है। सर, आज संत समाज ने पुलिस कार्यप्रणाली को सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, तो क्या था मामला, किस तरह से? इधर कुछ दिनों से कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं और कोई ट्रक कटिंग की भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तो उस संबंध में आज बगलामुखी आश्रम के अध्यक्ष जो हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने ज्ञापन दिया है, जो मेरे द्वारा SDOP खाचरोद को कार्रवाई हेतु